इसकी ताकीद की है वो ये कि देखिए इतनी अजीम रात आपको मिल रही है, इस पर परवरदिगार का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। तो इस अजीम रात के मिलने पर एक तवील सजदा शुक्र अंजाम दे। शबे सहर सलूक और इरफान बगैर सजदे के कैसे हासिल हो सकती? इस रात एक तवील सजदा शुक्र जो अंजाम दे। देखिए वैसे तो उलमा फरमाते हैं सारे आइम्मा के जो सजदे हैं वो सब बंदगी के अरकान में से हैं और सभी के सजदे ऐसे हैं, लेकिन खास तौर पर सजदा इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम। एक तवील सजदा अंजाम दे जिसके अंदर इस दुआ को पढ़े, अज़म अज़म्बो मिन अब्देका फल योसनुल अफ़ो मिन अंदिक, कि तेरे इस बंदे के गुनाह बहुत अजीम है परवरदिगार, बहुत बड़े बड़े गुनाह हैं, लेकिन तू इस बंदे को बख्श दे और तेरी बख्शिश कितनी हसीन है। तो फरमाते एक तवील सजदा शुक्र अंजाम दें और कोशिश करें कि इस दुआ को भी अगर इसके अंदर पढ़ लें। और उलमा एक चीज इस दुआ के अलावा एक जिक्र को और फरमाते हैं और वो है जिक्र यूनुसिया को, जितना भी हो सके जिक्र यूनुसिया भी उस तवील सजदे के अंदर ही अंजाम दे लें, और खास तौर पर ये तवील सजदा नमाज इशा के बाद अंजाम दिया जाए। और यकीनन इंसान पहले तो मगरबैन की नमाज ही पढ़ेगा, फिर दुआ और असकार और दीगर इबादात की तरफ जाएगा। तो तवील सजदा शुक्र, और इसके अंदर अगर जब सजदे शुक्र करने ही जा रहे हैं तो क्यों ना उस सजदे को इख्तियार कर लें जिसका पहले भी तस्कर हुआ, जिसको करने की वजह से हजरत इब्राहिम उस मुकाम तक पहुंचे थे, जो आयतुल्लाह अब्दुल करीम कश्मीरी ने बयान किया था कि सजदे में पेशानी रखकर तीन दफा कहें अल्हम्दुलिल्लाह, फिर पेशानी का दायां हिस्सा रखें और कहें तीन मरतबा कहें शुक्रन लिल्लाह, फिर पेशानी का बायां हिस्सा रखें और तीन दफा कहें अस्तग़फिरुल्लाह। कह रहे हैं कि यही वो सजदा है जिसको मुसलसल अंजाम देने से वो खलील खुदा के दर्जे तक हजरत इब्राहिम पहुंचे थे। तो